अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आपको भाई मोहम्मद शरील शरील इलेक्ट्रिक है। तमाम भाइयों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जो भाई नए वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज मैं आपको जनाब वाला प्रैक्टिकली वॉशिंग मशीन के कनेक्शन समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक टाइमर है, ये टू वे स्विच है, ये बेल है जनाब वाला वॉशिंग मशीन की। तो ये हमारे पास एक सेकेंड हैंड मोटर है वाशिंग मशीन की। तो आज मैं आपको इसके कनेक्शन समझाऊंगा। सबसे पहले जो आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए, ये हमारे पास एक टाइमर है जिसका आपको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको इन वायरों की मालूमात होनी चाहिए भी ये किस चीज़ की वायर है। तो ये जो हमारे पास है वायर सब्ज रंग की, ये जनाब वाला घंटी की मेन है। जो ब्लैक वायर है ये मेन है टाइमर की मेन है। ये जो ब्लैक के साथ वाली वायर है ये जनाब वाला टू वे का मेन पॉइंट है, ठीक हो गया। तो ये जो माल्टा कलर की ये वाली जो वायर है ये जनाब वाला वन वे पॉइंट है। जो लाल है ये टू वे पॉइंट है। तो ये वाली जो वायर है ये कैपेसिटर की है। जो दूसरे कैपेसिटर के हमने वायर करनी है ये जो है ना वन वे वाली वायर, इसमें से क्रॉस दे के दूसरी कैपेसिटर की उतारनी। अब आपको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। ये देखें जनाब वाला, सबसे पहले हमने तीन वायरों को करना है। जो ब्लैक के साथ वाली वायर है उस वायर को पकड़ लेना है, फिर उसके साथ वाली ये आगे वाली, तो फिर ये लाल वायर। इन तीन वायरों को हमने इकट्ठा पकड़ लेना है, इस तरह टू वे स्विच में लेके आना है। ये हमारा टू वे स्विच है, ये इसका मेन पॉइंट है। जो टू वे की मेन वायर है वो इस जगह पे लग जाएगी। अच्छा जी, फिर आ गया हमारा वन वे पॉइंट। ये देखिए, ये हमारा जो मल्टी कलर का है ये वन वे पॉइंट है। इसके साथ हमने एक दस्ती वायर करनी है जो नीचे कैपेसिटर की तरफ जाएगी। ये देखें, ये वन वे पॉइंट में लग जाएगी। ये जो लाल वायर थी हमारी टाइमर वाली ये टू वे का टू वे पॉइंट है। इसी के साथ जनाब वाला ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पे टू वे की मेन वायर लगेगी, यहाँ टू वे का वन वे पॉइंट, यहाँ टू वे। ये देखें जनाब, ये हमारे पास ब्राइट कंपनी का एक 10 UF का कैपेसिटर है। ये देखें, ये हमारी मोटर की कैपेसिटर वाली वायर है। ये भी दूसरी कैपेसिटर वाली वायर होगी। ये देखें, ये जो लाल वायर है ये हमने जनाब वाला वन वे पॉइंट को क्रॉस करके जो वायर निकाली थी वो वाली वायर हमारी कैपेसिटर में लग जाएगी। इस तरीके से अब रहेगी हमारी ये कैपेसिटर वाली, ये कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट के साथ हम जोड़ देंगे। ये हमारे कैपेसिटर के कनेक्शन मुकम्मल हो गए। बाकी हमारी आप इस वक्त रह गई घंटी की मेन। ये देखें, एक आम वायर घंटी वाली के साथ लगा देंगे। अच्छा जी, ये जो दूसरी घंटी की मेन होगी ये मोटर की मेन के साथ लग जाएगी। ये मोटर की मेन वायर है, इसके साथ जनाब वाले से ज्वाइंट कर देंगे।
अब जो हमारी दो मेन लगेंगी वो आपका कि एक इस जगह पे लग जाएंगी मोटर वाली मेन के साथ, दूसरी इस ब्लैक के साथ नाला में। ये जना वाला हमारे पास मेन वायर एक आ चुकी है, पहले हम ये जो ब्लैक है उसे लगा देंगे। जो ब्लैक वायर है वो जनाब वाला टाइमर की मेन है, और दूसरी वायर हम लगा देंगे मोटर की मेन के साथ। ये देखें जनाब वाला हमारी मोटर अब जल चुकी है, चल रही है, चल चुकी है। तो ये देखें ये वन वे पॉइंट चल रहा था, अब टाइमर ने टू वे पे अब कनेक्ट कर दिया। ये देखें ये हमारी मोटर अब टू वे पे चल रही है। ये टू वे पॉइंट अब वर्क कर रहा है, ये बंद हो चुका है, अब वन वे पॉइंट चलेगा। ये देखें ये वन वे पॉइंट अब चल चुका है। बहुत ही आसान इसके कनेक्शन है वाशिंग मशीन के। यहाँ से हम जनाब वाला ये देखिए ये सेंटर में बांधो भी, ये अब जो चल रहा है ये वन वे पॉइंट चल रहा है, अकेला वन वे पॉइंट एक ही तरफ ये घूमेगी। तो यहाँ पे टू वे है, अब ये टू वे पॉइंट चलेगा। ये देखें ये टू वे वर्क कर रहा है, जैसे ही टाइमर में जनाब वाला चक्कर मुकम्मल होते हैं तो वो कनेक्शन चेंज कर देते हैं। ये टू वे पॉइंट चल रहा है अभी, ये देखें टू वे के जो चक्कर हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, अब वन वे पे घूमेगा। ये देखें कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, कभी क्लॉकवाइज घूमती है।